HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। टीम इंडिया ने रविवार को वेस्ट इंडीज पर दूसरे वनडे में जीत हासिल करते हुए सीरीज में बढ़त बना ली है। 5 वनडे और 1 टी20 की सीरीज खेलने विंडीज गई टीम इंडिया को बारिश से खासी परेशानी हो रही है। कोहली एंड कंपनी ने इस बार क्लीन स्वीप का इरादा जताया था, लेकिन पहला ही मैच धुल गया। टीम इंडिया की ओर से दोनों वनडे में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने खासे रन बनाए हैं। ऐसे में कप्तान विराट कोहली 2019 के वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए अब तीसरे मैच में नए खिलाड़ियों को आजमाने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे टीम में MS धोनी के उत्तराधिकारी माने जा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज को भी जगह मिल सकती है। सीरीज का तीसरा मैच 30 जून को खेला जाएगा। कप्तान विराट कोहली 5 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच में प्रयोग करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए खिलाड़ियों को आजमाने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता, इसीलिए चयनकर्ताओं ने कई युवाओं को मौका दिया है। इनमें से एक कुलदीप यादव ने अपने करियर के दूसरे वनडे में ही छाप छोड़ दी है और विराट ने उनकी प्रशंसा भी की है। उनका संकेत समझें तो वे तीसरे वनडे में एक अन्य युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दे सकते हैं। गौरतलब है कि पंत विकेटकीपर भी हैं और उनका अंदाज आक्रामक है। माना जा रहा है कि धोनी के रिटायरमेंट के बाद वे टीम में बिल्कुल फिट बैठेंगे।